वेलकम सलाम से क्रिटिक्स बंदे का नाम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं साहब? तो आज का जो व्लॉग है थोड़ा सा शॉर्ट होने वाला है, मतलब नॉर्मल 4 मिनट का तो हो गया होगा, लेकिन वैसे मैं थोड़ा जुनो जल्दी में हूँ, क्योंकि आप ऐसे पीछे बैकग्राउंड में सुन सकते हैं कि इट्स जुम्मा डे और जुम्मे का टाइम। मैं अभी नहा धो के निकला हूँ, तो मैं बस रेडी हो गया था, तो मैंने कहा चलें जल्दी से एक शॉर्ट व्लॉग अपडेट व्लॉग रिकॉर्ड कर लिया जाए, तो आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ एंड मैं ज़्यादा लंबा नहीं करने वाला इंट्रो। तो आज के सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आई वॉज रियली बोर एंड आई थॉट दैट आई शुड रिकॉर्ड अ वीडियो एंड आई एम हेयर रिकॉर्डिंग अ वीडियो फॉर यू गाइज एंड आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग वेरी स्पेशल। बाकी बातें यही हैं कि यार बड़ा आज तबीयत ख़राब है आपके भाई की, आज आपके भाई की तबीयत इतनी डाउन है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। एक ही उसमें एंगल में बैठ के और आपका भाई वीडियो बनाने वाला है, काफ़ी अर्सा हो गया मैंने वर्ड नहीं बोला आपका भाई। तो अभी गर्मी बड़ी शदीद है, मैं सोच रहा था कि आज हम जाएं उधर, हमारा मरी का प्रोग्राम था लेकिन हम जा नहीं सके, क्योंकि जो कासिम भाई हैं हमारे, जैसे आपको पता है पहले ब्लॉग्स में बहुत आते थे, तो आजकल ज़ाहिर है उनके पेपर वगैरह चल रहे हैं, पेपर ख़त्म हुए तो फिर अब उनके और थोड़े रोले चल रहे हैं, कहते फैमिली मैटर्स हैं हम नहीं जा सकते वट एवर। तो आज प्रोग्राम था हमारा 2 डे ट्रिप का मरी का, लेकिन वो डिले हो गया किसी वजह से। कि जब आप ग्रुप प्लानिंग करते हैं ना कहीं आने जाने की, तो उसमें मोस्टली चांसेस ऐसे होते हैं कि जो आपके आगे पीछे जो होते हैं दोस्त अहबाब जो साथ कहने जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, मोस्टली ऐसे ही होता है कि जो हमेशा जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, और एंड टाइम पे उनकी वजह से प्रोग्राम डिले ड्रॉप एक्सेट्रा होने लगा था। ये मेरे साथ पहली दफ़ा नहीं हो रहा खैर, लेकिन आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा अमल, या आपने काफ़ी प्लानिंग की होगी पूरा हफ्ता, ठीक है बड़े आवाम होगी, लेकिन जब वो डे आएगा जो वक्त आएगा जाने का अमल करने का उस काम पे, तो उस पर बहुत सारे लोग साथ छोड़ जाते हैं। अगर तो आप ज़बरदस्ती चले भी जाओ, तो अगर 10 लोगों का ग्रुप है तो उसमें 2-3 लोग जा रहे होंगे। ऐसे एक दफ़ा हुआ था, आपको पता है मेरा जो कज़न अली है, और वो एक दफ़ा उसमें प्रोग्राम गए थे कि सारे हाइकिंग करते हैं, हम इधर Trail 3 गए थे एक दफ़ा, तो काफ़ी ग्रुप था हमारा, मैंने उसका ब्लॉग आई डोंट थिंक सो बनाया था, मैं ब्लॉगिंग नहीं करता तब की बात है, तो उसके क्लिप्स कुछ मेरे पास स्नैपचैट पे पड़े हैं, मैं उसमें से कोई अभी वीडियो के बीच में लगा दूंगा। खैर सीन ऐसे था कि हम लोगों का प्रोग्राम बना था, कि हमारे यहाँ कुछ 15 से 16 लोग थे, लड़के ग्रुप था उसके दोस्त मेरे दोस्त ये एक्सेट्रा, हमारा प्रोग्राम था कि हम जाएंगे जी जाएंगे एक्सेट्रा, पूरा हफ्ता प्रोग्राम सेट, पूरा हफ्ता हमने एक ही जी बहुत हो रही है, और कोई बात ही नहीं होती थी, दिन शाम रात भाई ये आना है कौन क्या लेके आया कौन साथ एक्सेट्रा, मतलब जैसे लड़के प्लान करते हैं लड़कियों की तरह हमने ऐसी प्लानिंग कर ली थी, जैसे पता नहीं क्या कर रहे हैं, रियाद हम हाइकिंग पे रहे हैं, एक जर्नल आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ ना। और फिर क्या हुआ, जब हमारा प्रोग्राम था सैटरडे का, मेरा ख्याल है सैटरडे या संडे था कोई एक दिन था, और हमारा प्रोग्राम था जाने का कि हम जाते हैं सारे, तो सुबह तकरीबन 7 बजे का टाइम था कि सारे इधर इकट्ठे होंगे और यहाँ से आके जाएंगे। फ्राइडे नाइट आप कह लें, फ्राइडे नाइट तकरीबन 10-11 बजे 16 में से तकरीबन आप कह लें कि जो 8 से 10 लोग थे, 8 से 10 लोग जो थे ना, वो उनको कोई मसला बन गया, किसी को कहीं जाना पड़ रहा है जी, किसी को कहीं जाना पड़ रहा है, और ये हो रहा है वो हो रहा है एक्सेट्रा, फिर पीछे बच जाते थे 5 से 6 लोग। अब फिर सीन ऐसे बना कि जिस टाइम हम सुबह इकट्ठे हुए ना, हमने कहा चलो 5-6 लोग हैं गुजारा चल जाएगा, लेकिन जब वो 5 से 6 लोग इकट्ठे हुए ना, तो वो 5 से 6 लोग 2 से 3 लोग में बन गए थे, मतलब बदल गए थे। खैर करते कराते फिर उधर जाके वेट किया, कोई आया कोई नहीं आया, आप देख सकते हैं मतलब मुझे जल्दी है थोड़ी, तो मैं जल्दी ब्लॉग जल्दी से बस एंड करने लगा। तो खैर मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप प्लानिंग करते हो तो बहुत रेयर चांस होते हैं कि उस प्लानिंग पे अमल हो। खैर छोटा अपडेट ब्लॉग था, आपका भाई रेडी है, मैं आपको उसी कहने के लिए हमने ये छोटा सा एक अपडेट मिनी ब्लॉग बनाया कि यार प्लान था फिलहाल ड्रॉप हो गया है, तो ओवरऑल जो अपडेट्स आएंगे वो ब्लॉग चलता रहेगा, कहीं आगे पीछे जाएंगे तो बनाएंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी, आप बस लाइक सब्सक्राइब कर लें, थोड़े बोरिंग ब्लॉग आ रहे हैं तो प्लीज़ बेयर विद मी, बट अभी के लिए थोड़ा सा मैनेज कर लें। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आई विल टेक माई लीव एंड आई विल सी यू गाइज लेटर इन सम अदर ब्लॉग, और अपना ध्यान रखें, और मैं जाता हूँ काफ़ी लेट हो रहा हूँ, तो मिलते हैं फिर, टाटा बाय बाय शब्बा खैर, कैसे बोलते हैं जो भी बोलते हैं, अल्लाह हाफिज़।